नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना के एक युवक की भोपाल के बोट क्लब पर लाश मिली। राजधानी के चर्चित बोट क्लब पर युवक युवती की लाश मिली, जिससे वहां सनसनी फैल गई। श्यामला हिल पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवों को निकाला। गोताखोरों ने इन दोनों लाशों को निकालने के बाद खुदकशी की संभावना व्यक्त की। युवती की पहचान प्रिया साहू विश्वकर्मा नगर भोपाल के रूप में हुई है। पुलिस कर्मियों ने गोताखोरों के सहारे शव को एम्बुलेंस में रखवाकर हमीदिया रवाना किया। मर्ग कायम कर पुलिस जांच में जुट गई। मामला खुदकशी का है या प्रेम प्रसंग का या कुछ और, पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार घटना स्थल के करीब खड़ी मोपेट के नंबर से महिला की पहचान प्रिया साहू पत्नी स्वर्गीय दशरथ साहू के रूप में हुई है। महिला का मकान नंबर 146 विश्वकर्मा नगर बाग सेमनिया भोपाल बताया जा रहा है। दूसरे शव की शिनाख्त दुर्गेश सोनी 32 वर्ष के रूप में हुई है। दुर्गेश सोनी सतना के टिकुरिया टोला के रहने वाले हैं। सागर में एक ज्वेलरी शॉप पर काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भोपाल लिव इन में रहते थे। महिला यहां सिलाई का काम करती थी। दोनों मोपेट से ही बोट क्लब आए थे। महिला की एक बेटी भी है। उसके पति की 23 जनवरी में सागर में हत्या हो गई थी। दुर्गेश उसके पति का दोस्त था। दोनों में पहले जान पहचान थी। पति की मौत के बाद महिला दुर्गेश के साथ रह रही थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।